राजधानी लखनऊ के नॉर्दर्न रेलवे के मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट से वरिष्ठ टेक्नीशियन के पद से श्री राम प्रकाश जी का 34 साल की सर्विस से सेवानिवृत्त हुए। अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हुए संजय कुमार झा जी ने बताया कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान रखता है और सर्विस में रहते हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद भी चाहे पेंशन से संबंधित समस्या हो या किसी अन्य से संबंधित अपने कर्मचारियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। थोड़ा डिटेल दीजिए। हाँ, आज हमारे यहाँ जो रिटायरमेंट था श्री राम प्रकाश जी का, वो हमारे वरिष्ठ टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत थे। 34 साल की उन्होंने नौकरी करी। ये मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट है। जो आप गाड़ी में ट्रेवल्स करते हैं तो गाड़ी रन करके आते से क्लीनिंग का पूरा काम, मैकेनिकल मेंटेनेंस प्लस क्लीनिंग का जो काम है उसी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। और वो इसमें एक वरिष्ठ टेक्नीशियन के पद पे थे जो इस काम का निस्तारण करते थे। आज वो सेवा नहीं करते थे। कोई संगठन है जिसमें आप लोग और भी ज़्यादा जो टेक्नीशियन जो जितने भी आपके कार्य करते हैं जो कर्मचारी होते हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई काम करते हैं आप? जी हाँ, एक्चुअली रेलवे में ऑलरेडी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेल्स यूनियन जो है वो इसके लिए एक्स्ट्रा काम करती है। क्योंकि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनका कुछ सेक्शन है, वो वहीं तक आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे यूनियंस है हमारे यहाँ, यूनियन से हम सब उसके मेंबर्स भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी की व्यक्तिगत प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू वर्क या और भी चीज़ें आती तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, उनके वेलफेयर पे एक अच्छा काम करते हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो उनको अगर किसी चीज़ की परेशानी या मदद की आवश्यकता होती है तो आपकी तरफ से कोई डिपार्टमेंट उनको हेल्प मिल रही है? बिल्कुल हाँ, रिटायरमेंट कर्मचारी की दो ही प्रॉब्लम्स होती है, या तो उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती। तो पेंशन का एक ऑलरेडी सेक्शन है जो पेंशनर्स की एक एसोसिएशन है जो इसके लिए काम करती है। लेकिन उसके बावजूद जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है वो क्या करती है, ऐसे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे मेडिकल का प्रॉब्लम हो चाहे पेंशन की प्रॉब्लम हो, तो उसे सॉर्ट आउट करते हैं, उनके वेलफेयर में पूरा पूरा काम करते हैं। अभी नॉर्दर्न रेलवे मेंस एसोसिएशन का आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें बहुत सारी मांगे जो आपने अपनी तरफ से सरकार के सामने रखी थी, क्या उन मांगों में से कुछ मांगों को पूरा किया गया है? अभी एक्चुअली ये हम लोग का इस समय जो सबसे बड़ी मांग है वो मांग ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है कि एक्चुअली एक आदमी 60 साल का लंबा पीरियड निकालता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, वर्ल्ड हेल्थ के पेमेंट मिलता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसका जो बाकी का जो बैलेंस पीरियड है वो बड़ा ख़राब हो जाता है। गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम ला करके क्या किया, उस पैसे की कोई गारंटी नहीं, एक मुश्त पैसा हमें मिल जाएगा और एक मुश्त खत्म भी हो जाएगा। इसलिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन गवर्नमेंट हमेशा ये मांग कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, ताकि वो व्यक्ति जो अपने जीवन का क्लीन पीरियड इस रेल को देता है उसका जो शेष जीवन बचता है सेवा व्यक्ति को, तो अच्छे से बीत सके। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।